चालू हो गया। तो अभी हम लोग आए हुए हैं सुखिया पोखरी, जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि आपका ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट क्या है कि आपका दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जोर बंगलो घूम बोलता है उसका इलाका में पड़ता है। ये मतलब टूरिस्ट प्लेस हो गया यहाँ पर। मतलब कि आपका एक तो भगवान का भी है, शेषनाग का भी वो है, शिव का भी मंदिर उंदिर भी है। उसके बाद में एक तो पोखर है जो यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, जो आदमी लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा जगह है, जो टूरिस्ट लोग के लिए भी बहुत स्वाभाविक जगह है जो आते हैं। अभी बहुत बहुत पीक में है, ये बहुत ऊपर में है ये। यहाँ से समझिए, यहाँ से 7 या 8,000, हाँ मतलब कि बहुत ऊपर में है। उसके बाद में यहाँ से आपका संदकपुर जो बहुत हाईएस्ट पीक है, जो आपका एनी टाइम बर्फ वगैरह होता है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। संदकपुर हुआ, फालुट हुआ, यहाँ नज़दीक में पड़ता है, लेकिन उसमें जाने के लिए समय लगेगा। ये आपका जो भी है, ये आपका फॉग है जो अभी आपको स्क्रीन में आ रहा होगा, जो देख रहे हैं आप लोग, यही है। और यहाँ का दृश्य जो है वो हमारे बता रहे हैं, सुमित जी दिखा रहे हैं, तो देखिए यहाँ का दृश्य कैसा है, तो महसूस कीजिए क्या है नहीं है। अच्छा, यहाँ आने के लिए खर्च या NJP से कैसे आना होगा? आप NJP से सीधे दार्जिलिंग आना होगा। दार्जिलिंग से आपको जोरबंगला घूम बोला जाता है, जोरबंगला घूम बोला जाता है, वहाँ से रूट चेंज हो जाता है। रूट चेंज होने के बाद में सुखिया पोखरी बोला जाता है, सुखिया बोला जाता है पहले, मेन सुखिया है। तो एक तो जगह का नाम सुखिया पोखरी रख दिया है, लेकिन खास करके क्या है कि ये जो है आपका पहले आता है जोरबंगला, जोरबंगला से रास्ता चेंज हो जाता है। चेंज होने के दार्जिलिंग से कुछ देर पहले जोरबंगला घूम, वो भी हाईएस्ट पीक में आता है, तो वहाँ से रास्ता चेंज हो जाता है। चेंज होकर सुखिया पहुँचता है, सुखिया पहुँचने के बाद में और ऊपर में चढ़ता है, जो ये सुखिया पोखरी मतलब पोखर, हिंदी में बोलने से पोखर बोला जाता है, तो वही पोखरी या नेपाली में पोखरी बोला जाता है, यही बात है। चलिए और प्लेसेस हम दिखाते हैं आगे। तो अभी आपने यहाँ मेरे मामा जी से सुने कि इस जगह को कैसे आ सकते हैं और ये कहाँ पे पड़ता है। हाईएस्ट पीक है ये, आपको 7,000 टू अप्रॉक्स 8,000 के करीब इसका हाइट पड़ता है आपको सी लेवल से। और यहाँ पे पोखर है, जिसको बिहार में तो पोखरी बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, यहाँ पोखरी बोलता है नेपाली भाषा में। और एक्चुअल अभी जो आप फॉग वगैरह देख रहे हैं, जो कि यहाँ से टच होके जाता है, वो फॉग जो है एक्चुअल क्लाउड है, बादल है, जो कि हम लोग नीचे से देखते हैं। इस हाइट पे आपको काफ़ी जो है फॉगी मौसम मिलता है और ठंड यहाँ पे है। अभी आप बिहार में अगर होंगे तो अप्रैल के महीने में अभी भी जो है AC का उपयोग करना पड़ जाता है, बट इस जगह पे आपको जो है स्वेटर का उपयोग करना पड़ जाएगा। और अगर स्टे करते हैं कहीं पे तो आपको, अगर पतले कंबल यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 कंबल एटलीस्ट यूज करना पड़ जाएगा, क्योंकि जो यहाँ का मौसम है वो वहाँ से कम तो 20 डिग्री का जो है अप्रॉक्स जो है वो रहता है आगे पीछे। और देखिए नीचे की तरफ आप अगर देखेंगे यहाँ से, तो बादल जो है यहाँ से ट्रेवल करके जाता है और वही बादल फिर इधर जब आता है तो मौसम जो है काफ़ी ठंडा कर देता है। और अभी अभी यहाँ से बादल जो है घटा है, और यहाँ देखिए ये सामने की तरफ आप बादल देख पा रहे होंगे, और उधर से जो भी खाली वो उधर नीचे पूरा टाउन है। ये एरिया जो है काफ़ी अपसाइड में है, और एक पीक होता है जिसे हम लोग कहते हैं पीक, वो एरिया होता है जो किसी पहाड़ का बिल्कुल आखिरी एरिया हो, जहाँ से कि आप नीचे की तरफ काफ़ी आसानी से देख रहे हो। तो वहाँ पे वेदर जो है काफ़ी मतलब अनयूजुअल होता है, जैसे कि आम भाषा में कहें तो हर तरफ जिस तरह का वेदर होता है उस तरह का इस जगह पे नहीं होता है। यहाँ पे बादल जो है काफ़ी क्लोज रहता है। तो चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। अगर आप दार्जिलिंग विजिट करते हैं तो यहाँ पे जरूर आएं। ये देखिए कितना फॉगी हो रखा है यहाँ का मौसम। दार्जिलिंग आने का असली मज़ा यहीं पे मिलता है। ये देखिए नीचे भी पूरा जो है शहर बसा हुआ है।
चलिए आगे वीडियो म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए।